अटेंटिव हो जाओ। अब शुरू करते हैं हम आगे। मैंने पूछा था, कहा था ये क्वेश्चन 9 जो था करने के लिए, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। और किसी ने स्टडी कॉर्नर में तो डाला नहीं। ओके, क्या कोई दिक्कत आई क्या स्टडी उसे समझने में क्वेश्चन को? नहीं सर, अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने वही बोला था कि उसको पेपर पे लिख के उसकी फोटो अटैच कर देते, बस हो जाता। ओके, कोई बात नहीं। और अपलोड करने में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। और अगर लिख एनीवे अटैचमेंट करना है उसमें स्टडी कॉर्नर में जाके फाइल को। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं। अब ये है, सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। सो बच्चों, मोलर मास सुक्रोज का पहले देखते हैं, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला हमने लास्ट टाइम बताया था मैंने, कि वो उसमें था भी एक क्वेश्चन में जब हमने किया था, तो C12H22O11 होता है। सो मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या होता है, अगर हम इसको निकालते हैं, मास ऑफ 1 मोल 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16। सो बच्चों ये आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। सो ये सब मिलाकर आ गया 342। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास कितना है, 342, हमारे पास कितने ग्राम है, 3.42। सो 3.42 है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन जो है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 342 ग्राम कितना है, 1। सो नंबर ऑफ मोल्स इन 3.42 ग्राम, जो हमको 3.42 ग्राम दिया हुआ, इसमें कितने होंगे, 1/342 × 3.42। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 100 आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, 342 कट गया, ये 1/100 यानी कि 0.01। तो 0.01 मोल है ना। अब वाटर में और पानी को देखते हैं उसमें कितने, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने कितने मोल डिजोल्व किए सुक्रोज के, कितने मोल वाटर में के, हाउ मच मोल से डिजोल्व हुए। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर क्या आ रहा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × 1 प्लस 16, 18 ग्राम। सो और हमारे पास है भी 18 ग्राम ऑफ वाटर, क्वेश्चन में भी 18 ग्राम। सो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम इस का क्या है, 1 है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर में दिस, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए मिक्सचर में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने मोल्स हो गए, 1 मोल ऑफ वाटर
प्लस 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज, तो ये हो गया 1.01 मोल, 1.01 मोल हो गया हमारे पास। अच्छा अब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन एटम हमें, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है। अच्छा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, ये हमको द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन निकालना है। ओके सो अब बच्चों ये देखो, सुक्रोज के कारण तो 11 एटम्स हैं और वाटर के कारण 2 है, सुक्रोज के कारण 11 एटम्स हैं, वाटर के कारण 2 एटम्स हैं। सो क्या कहते हैं आपका ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स इक्वल्स टू हो जाएगा अच्छा ऑक्सीजन एटम पहले अलग करते हैं, ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज। सर सर एक बार अपलोड कर दे, एक बार आप चेक कर लीजिए पहुंच गए नहीं पहुंच गए, सुनाई नहीं दिया सर, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दे एक बार आप चेक कर लीजिए। किसमें डाला है सर, फिजिक्स क्लासरूम में, फिजिक्स में डाला है, पर ये केमिस्ट्री का पार्ट है, हाँ आया तो है। ओके चलो ये देखते हैं। सो नंबर ऑफ अब मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 342 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, 11 इंटू एन, ये 11 कहां से आ गया, ओके 11 आपको वो 11 ओके देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3.42 हो गया, दिस 342 थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आएगा 342, ये 342 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 0.11 कैसे होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आएगा 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 342 इंटू 3.42, ये जो है ना यहाँ पे, चलो मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ओके तो जैसे तुमने किया वैसे ही कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दी सॉल्यूशन हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ अच्छा एक एटम, एक जो मॉलिक्यूल है उसमें ओ 11 है और हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होता है ना, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है और हर मॉलिक्यूल में ओ 11 एटम है, समझना चाहिए क्वेश्चन को, ईच मॉलिक्यूल
ऑफ C2, C12, H22, O11 कंटेन्स 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 342 ग्राम, 342 जो इसका मोलर मास है इन इज इक्वल टू 11 इंटू एन ए. एवोगैड्रो नंबर 11 इंटू एन ए, एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है ना? यस सर. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट हमारे इन हमारे पास तो 3.42 ग्राम्स है, इन 3.42 ग्राम होगा 11 इंटू एन ए डिवाइडेड बाय 342 इंटू 3.42 हंड्रेड से, तो ये जो है 342 कट गया, ये आ गया 11 अपॉन 100 इंटू एन ए. 11 अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं 0.11 एन ए. तुमने जो किया उसमें मिस्टेक समझ आ गई? ओके. सो ये हो गया आपका किसमें सुक्रोज में कितने. अच्छा सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. अच्छा इन 18 यहां पूरा नहीं लिखा मैंने, मिस हो गया ऊपर, यहाँ पे आएगा इन 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सॉरी 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज. ओके अब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हैं भाई? हर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, सो यहाँ पे कितने होंगे? एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो एन 18 ग्राम में एन ए ऑक्सीजन एटम्स होंगे. हेंस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सॉल्यूशन, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू होगा 0.11 एन ए प्लस एन ए. सो ये क्या आ गया? एन ए को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 0.11 प्लस 1 विद इन ब्रेकेट एन ए, ये हो गया 1.11 एन ए. और एन ए हमको मालूम है, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, ये क्या होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23. तो ये हो गया 1.11 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23. सो आपका इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 1.11 इंटू 6.0 क्या आता है? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो. 66.8442 8442 इंटू 10 to the power 23. सो हमारा आंसर हम देखते हैं किसमें है, हमारे क्वेश्चन में है, ये है 10 to the power 23 सिक्स पॉइंट में है और ये 23 है और ये है 23 6.68. तो इंटू 10 to the power नहीं, 6.6 पॉइंट तो नहीं हो सकता, 1 into 6 एक मिनट, कहीं मिस्टेक है मल्टीप्लीकेशन में, एक मिनट
सर 6.684 होगा। कैलकुलेटर से, क्योंकि 1 × 6 तो 6 ही रहेगा ना, तो ये होगा 6.6842, है ना। सो आपका आंसर आ गया 6.68 × 10⁻²। तो ये 6.68 × 10⁻², ये ए इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द मैग्नीशियम। अब ये नहीं करूंगा मैं, जस्ट बता देता हूँ मैग्नीशियम रिबन मींस, क्योंकि सब करने से तो आप लोग करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। मैग्नीशियम रिबन मींस मतलब मैग्नीशियम Mg, ओके। तो ये आप जो है Mg, Mg का कितना होता है, Mg 24 होता है, तो आप कर लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितना है, ठीक है। तो जबकि अच्छा एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24, चलो कर देता हूँ छोटा सा। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम होता है 24, सो दिया हुआ है मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन का भी यही है, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन वही होता है, इज 24 ग्राम, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिबन, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए मैग्नीशियम रिबन दे दिए, बाकी अदर में वही मैग्नीशियम जैसे ही करना है, इज 1। आपको निकालना है 12 मोल में, नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इक्वल टू 1/24 × 12, ये कट गया, 2 आ गया, 1/2 मीन 0.5, तो आपका आंसर क्या है, 0.5, ओके। सो दिस इज द आंसर। Yes, sir. अब करते हैं 24th, सॉरी, तो ये क्वेश्चन था ऊपर वाला 23। ओके, अब हम करते हैं 24। वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर डू नॉट हैव द सेम मास, मतलब 5 मोल ऑफ CO2 और इनका मास सेम नहीं है, तो हमें इनका मास निकालना है। तो मास ऑफ 1 मोल निकालेंगे CO2 का 5 से, तो सिंपल है क्वेश्चन, हो जाएगा आई थिंक, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चलो कर लेते हैं। मेनली मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया रहे लिखना कैसे है, ओके। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, सी का 12 प्लस ओ का ओ इंटू 16, सो ये क्या आ गया, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। बट इम्पोर्टेंट हमेशा ये है कि आपको सिर्फ 44 नहीं लिखना, इसके आगे जी लिखना है, जी नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएंगे, ओके। सो देयरफॉर मास ऑफ 5 मोल्स निकालना है, 5 मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 5 × 44, ये आ गया 220 ग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली मास ऑफ 5 मोल्स
ऑफ वाटर हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 5 इंटू वाटर का होता है 18, तो हो गया 90 ग्राम्स। सो वेरीफाई बाय कैलकुलेटर दे डू नॉट हैव सेम मास। यस दे यस, हमारा आंसर क्या आ गया, ए का एक आंसर क्या आ गया, यस दे डू नॉट हैव सेम मास, क्योंकि एक का 220 आ रहा है, एक का 90 ग्राम्स आ रहा है। ओके अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट है बी। बी क्या कहता है, 240 ग्राम ऑफ दिस एंड 240 ग्राम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एलिमेंट हैव द मोल रेशियो ऑफ 3 इंटू, मतलब इनका मोल रेशियो इतना है। सो अब इसमें भी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम है, कैल्शियम का मास ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना होगा, 40 ग्राम्स, 40 है ना टेबल में, यस सर 40 है। तो मतलब ये सो नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 है, तो ये तो हमारे पास 240 है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, 1/40 × 240, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 6, तो आंसर 6 मोल्स हैं किसके, कैल्शियम के। सिमिलरली हम निकाल लेते हैं सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स इन 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, मैग्नीशियम का क्या होता है 24, तो 1/24 × 240 ये आ गया 10। तो आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ मतलब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो हैव दिस, तो पहले कैल्शियम है तो ऊपर इसमें ये होता है ऊपर क्या लिखेंगे, सो आपके पास पहले कैल्शियम लिखा है तो पहले कैल्शियम का कोई लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मैग्नीशियम बाद में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 6/10, सो इसको डिवाइड करोगे 3/5, सो आंसर आ गया 3:5, चाहे 3:5 ऐसे लिखो या 3/5 लिखो, मीनिंग इज सेम। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, दिस इज, अब कैल्शियम क्लोराइड है, इसको पानी में आप मिलाओगे तो आयंस बन जाएंगे, कैसे आयंस, 2 आयंस बनेंगे, और सॉरी इसमें आयंस बनेंगे, एक आयन बनेगा कैल्शियम का और 2 आयंस बनेंगे क्लोरीन के, 2Cl- है ना, तो ये आयंस बनेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन फ्रॉम CaCl2 व्हेन 222 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व, मतलब 222 ग्राम जब डिसॉल्व करेंगे तो हाउ मच आयंस विल फॉर्म। तो हम तो पहले सेम है, हमेशा पहले तो मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCl2 कितना होगा, पहले तो CaCl2 नॉर्मल का निकालना पड़ेगा, तो Ca का 40 प्लस Cl का 2 × 35.5, सो ये हो जाएगा 2 × 35.5। ओके तो ये हो जाएगा 40 प्लस 71, ये हो गया 111। ओके सो हम कह सकते हैं
नंबर ऑफ मोल्स इन आगे ग्राम इन 1111 जी ऑफ CaCl2 कितने होंगे, 1 होगा, मोलर मास है, तो यहाँ कितना है 222 ग्राम है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इन 222 ग्राम ऑफ CaCl2 क्या होगा 1/111 × 222, ये कट के 2 आ जाएगा। ओके, सो आपके पास 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ CaCl2, ठीक है। अब इसमें कितने आयंस हैं, इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी आयंस यू आर हैविंग, नंबर ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, CaCl2 में कितने आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस, तो 1 कैल्शियम का और 2 क्लोरीन के हैं, तो कितने हैं, 1 ऑफ कैल्शियम एंड प्लस 2 ऑफ क्लोरीन, तो मैं इसको लिख ही देता हूं, नहीं तो मैं 3 लिखूंगा, आप लोग समझोगे क्या आ गया, 1 आयन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयंस ऑफ क्लोरीन, सो ये क्या हो गया, हमें तो नंबर ऑफ आयंस ही लिखने हैं, तो 3 हो गए, टोटल आयंस निकालने हैं ना, तो टोटल आयंस कितने हो गए, 3 हो गए ईच मॉलिक्यूल में। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ CaCl2 मॉलिक्यूल्स इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, CaCl2 के 2 हैं, तो हम सीधा कर लेते हैं, नंबर ऑफ CaCl2 मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × एवोगाड्रो नंबर, है ना, सो हेंस, और ईच मॉलिक्यूल है इज हैविंग 3 आयंस, हेंस टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 2 मोल और 222 ग्राम कितना होगा, 3 × 2 × Na, Na, तो ये हो गया 6 × Na, Na में 6.022 × 10³, ठीक है, सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 6 × 12 = 13 or 6 = 36 × 10³, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, क्या 36.132 × 23, सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको ये समझ है हमारे ईच मॉलिक्यूल में कितने आयंस हैं, ईच मॉलिक्यूल में 1 आयन कैल्शियम का है, 2 क्लोरीन के हैं, टोटल 3 है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे हैं कितने, वो एवोगाड्रो नंबर से आ जाएगा, सो हमेशा एवोगाड्रो नंबर, अगर एटम है तो एटम के एवोगाड्रो नंबर एटम का बताएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का, तो हमेशा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चीज है, किसका मोल है, 1 मोल हम किसकी बात कर रहे हैं, एटम की, अगर हम सिंपली जैसे ऊपर क्वेश्चन था तो या ऊपर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये तो एटम है, तो इनमें तो एटम होंगे एवोगाड्रो नंबर, अगर अगर यहाँ पे CaCl2 है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर होगा। ओके, द डिफरेंस इन मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन इज दिस मच, कंप्यूट द मास, अब आपको ये थोड़ा डिफरेंट है, कंप्यूट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैंने सोडियम एटम है, सोडियम एटम का सोडियम आयन कैसे बनेगा कि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम एटम में से कभी भी सोडियम एटम है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, सो तो वो सोडियम आयन बन जाता है, अगर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 27th
27th में समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को याद नहीं समझना है तो 27th में क्या है कि अगर ये कोई सोडियम एटम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, माइनस हो गया, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सोडियम आयन, बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि सोडियम एटम, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और सोडियम मास ऑफ सोडियम एटम माइनस मास ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई माइनस मीन्स, ई माइनस जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ई माइनस इज है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, सो सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम आयन बनेगा। तो इसका मतलब है सोडियम एटम और सोडियम आयन के मास को हम डिफरेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आपको क्या है क्वेश्चन में क्या है, 27th में द डिफरेंस इन द मास ऑफ 100 मोल्स ईच ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन इज, वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस इज दिस मच। तो बताओ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ओके ओके, सो 100 मोल में, 100 मोल में कह रहा है, तो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ सोडियम कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या, 6.022 × 10⁻²। तो हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, हर एटम से जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल ऑफ सोडियम क्या आएगा, यही आएगा ना, 6.022 × क्योंकि हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो और तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 मोल है, वो 100 मोल के लिए पूछ रहे हैं, मोल्स ऑफ सोडियम, ये कितना होगा, 100 × 6.022 × 10⁻²। ठीक है, इतने तो हो गए नंबर ऑफ, अच्छा अब देखो दिस मच इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब वो क्या पूछ रहे हैं, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, कैलकुलेट दी, कंप्यूट दी मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए, तो अब और डिफरेंस है कितना, 5.4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिस मच है, सो लेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एम ई से लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस
इन मास ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन. Atom in 100 moles. 100 mole की हम बात कर रहे हैं. In 100 moles. अच्छा ये difference हमको क्या दिया हुआ है. अच्छा number of electrons तो हमने निकाल लिए कितने 100 into 6.022 into 10 to the power 23. Mass of electron हमने me कर दिया और difference हमको दिया हुआ है कितना 5.48002. So ME क्या आ गया. ME is equal to 5.48002 divided by 100 into 6.022 into 10 to the power 23. ठीक है इसको calculate करो. 5.48002 upon अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं 5.48002 divided by 6.022 into 10 to the power 25 लिख सकते हैं. 23 ये दोनों 100 and 23 मिलके क्या बन जाएगा 10 to the power 25. अब 5.48 divided by 6 क्या आता है 5.48002 divided by 6.022. This is 0.91. So, yeah, 0.91 divided by 10 to the power 25. So, yeah, aapka answer ho gaya. Isko main aise bhi likh sakte hain kya? 0.91 into 10 the power minus 25 grams. ये ग्राम्स में ही है शायद. 5.4802 ग्राम्स में था ना. किसमें है हाँ ग्राम्स में है. सो दिस चीज हो गया ग्राम्स में. और अगर आप इसको केजी में बदलना चाहो तो ये क्या हो जाएगा. केजी में बदलना चाहेंगे तो 10 से 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो ये हो गया 0.91. मतलब बुक में क्या आंसर है मुझे नहीं पता पर ये 0.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 इंटू ग्राम्स की जगह पे केजी लिखना है तो 1/1000 केजी होगा. सो ये हो गया 0.91 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 केजी. Okay, this is the answer. अब similarly, तो इसमें important क्या है आपको ये समझना है कि एक atom में एक electron निकल के ion बन जाएगा और जितने atom total है 1 mole में तो उतने electrons होंगे. So आपको mass of total electrons का निकाल करके सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है. ओके अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चों यू कैन पुट योर क्वेरी इन स्टडी कॉर्नर. बार बार बोलता हूं. ओके अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं 28, 29, 30, 31. अच्छा कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना बच्चों. अब हम पहले ये वाला करते हैं 20 सिनेबार HGS इज ए प्रोमिनेंट ओवर अ मर्करी. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मर्करी आर प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ HGS मोलर मास ऑफ GNS दिस मच रिस्पेक्टिवली. सो चलो कर लेते हैं 28 भी. ओके
28th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिनाबार एचजीएस इज ए प्रोमिनेंट ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मरकरी आर प्रेजेंट इन 225 ग्राम ऑफ प्योर एचजीएस, वो कह रहे हैं प्योर एचजीएस में कितना मरकरी है, मोलर मास ऑफ एचजी और सल्फर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ एचजी और सल्फर दिया हुआ है और आपको बताना है हाउ मच इज देयर, ओके। सो टोटल मोलर मास ऑफ एचजीएस कितना होगा, 200.6 प्लस 32, मतलब 232.6 ग्राम्स, ये आपका है टोटल मोलर मास, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सो हम कह सकते हैं कि 232.6 ग्राम ऑफ एचजीएस कंटेन, क्या कंटेन करता है, कंटेन 200.6 ग्राम ऑफ मरकरी, यही है ना, वो कहता है 225 ग्राम क्या कंटेन करेगा, तो देयरफॉर 225 ग्राम ऑफ एचजीएस कंटेन्स 200.6 अपॉन 232.6 इंटू 225, दिस मच ग्राम ऑफ मरकरी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 200 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 232.6, तो देखते हैं क्या आता है, ओके कैलकुलेटर निकाले, ये होगा 200.6 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 232.6, क्या आया बच्चों, ये आया दिस होल कम्स टू 194.0455 ग्राम ऑफ मरकरी, ओके। तो दिस इज योर आंसर, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। द मास ऑफ, अब ये क्वेश्चन जो है ना 29th, ये बेसिकली स्टील स्क्रू से आपको कंफ्यूज किया, आप स्टील स्क्रू को आप ऐसे मान लो कोई एक एटम है, कोई एक केमिकल है, इसको कंफ्यूज मत होना है स्टील स्क्रू क्या है। तो मास ऑफ वन स्टील स्क्रू इज 4.11, 29th क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ दी स्टील, बेसिकली स्टील स्क्रू कोई केमिकल थोड़ी ना है, पर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे आता है, तो अब मान के चलो ये कोई एटम है, कोई किसी केमिकल का एटम है, सो उसका फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ दीज स्टील स्क्रूज, वन मोल, तो कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ अर्थ, ओके कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ अर्थ, विच वन ऑफ द टू इज हैवियर एंड हाउ मेनी टाइम्स, ओके। सो 29th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जस्ट इसलिए कि एक स्टील स्क्रू लिख के कंफ्यूज किया हुआ है, ओके। सो क्वेश्चन, सो मास ऑफ स्टील स्क्रू कितना है, मास ऑफ स्टील स्क्रू 4.11 ग्राम, तो हम क्या कहेंगे स्टील स्क्रू का नाम को, it is an atom,
of sum of some एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसका एटम है. ओके सो अब हमको मास ऑफ कितने क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ दिस. ओके मास ऑफ वन मोल ऑफ स्क्रू. ओके सो नंबर of atoms in one mole of steel screw. One mole of steel screw में कितने atoms होंगे? We know Avogadro number Na means 6.022 × 10³. अगर हमने इसे मान लिया कोई element है तो उसमें उसके वन मोल में कितने एटम्स होंगे, दिस मच होंगे. तो देयरफॉर मास ऑफ वन मोल ऑफ स्टील स्क्रू क्या हो जाएगा, 6.022 × 10²³ × 4.11 ग्राम्स. तो मास ऑफ वन मोल दिस मच हो गया. अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लो. 6.022 × दिस मच तो क्या आएगा, 6 × 4 = 24 something आएगा. सो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू × 4.11 क्या आ गया, 24.75. तो ये आ गया 24.75 × 10²³ ग्राम्स, ये आ गया मास ऑफ वन मोल ऑफ स्टील स्क्रू. ठीक है, अब वो कह रहा है कंपेयर इट विद द मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है. सो कितने टाइम चाहिए, यही निकालना है ना, क्या था क्वेश्चन. हाँ मास ऑफ द अर्थ 5.98 × 10²² kg. विच वन ऑफ दीज टू इज हैवियर एंड हाउ मेनी टाइम्स. ओके कितने टाइम्स हैवी है, कौन सा हैवी है और कितने टाइम्स हैवी है. सो 10²² की बात कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.475 × 10²² ग्राम्स, या चलो इसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि इसको 24.75 × 10²³ × 10²³ इंटू ग्राम्स की जगह 1/1000 kg, क्योंकि मास ऑफ अर्थ केजी में दिया हुआ था शायद. सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 24.75 / 10, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 24.75 / 10 × 10 × 10²³ × 1/1000 kg. एक जीरो इससे कट गया. So, ये क्या आ गया, ये आ गया डिवाइडेड बाय 10 है तो 2.475 × 10²³ kg. 100 ऊपर जाएगा तो 21 केजी हो जाएगा. अब मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ बताओ कितना दिया हुआ है कोई बच्चा, 5.98 × 10²² मास ऑफ अर्थ है 5.98 × 10²² kg. सो विच वन इज हैवियर, नेचुरली ये दिस वन इज अर्थ का हैवी होगा क्योंकि 10²² है, वहां 10²² है, यहाँ 2.4 है, यहाँ 5.98 है. मास ऑफ
अर्थ इज हैवियर। मास ऑफ अर्थ इज हैवियर, सो अर्थ इज मोर हैवी। नाउ हाउ मेनी टाइम्स अर्थ इज हैवी, अब हमको निकालना है हाउ मेनी टाइम्स। सो दिस हाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स विच वन इज हैवी। सो जो हैवी है उसका वेट उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो लाइट है उसको, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ स्क्रू, ये क्या आ जाएगा 5.98 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 2.475 इंटू 10 to the power 21। सो बच्चों ये कट के क्या रह जाएगा 10 to the power 3, और 5.98 डिवाइडेड बाय 2.4 क्या आएगा, 5.98 डिवाइडेड बाय 2.475, दिस इज 2.4, तो आपका क्या आ गया, दिस इज 2.4 इंटू 10 to the power 3, सो दिस मच टाइम्स हैवी है अर्थ। ठीक है, तो 29th क्वेश्चन हो गया। अब ओके 30 और 31 जो है यू डू इट, और मेरे को स्टडी कॉर्नर में करके भेजना, हम 32 टेबल करते हैं। ओके इसको समझने, देखो वाटर के लिए टेबल को कैसे फिल करना है, ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में वाटर H2O, H2 में ही सेइंग नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने, 2, मास है 36 ग्राम, सो ही सेइंग कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसमें, सो अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 into Avogadro number, सो ये होगा 2 into NA, इसको लिखेंगे तो H2O में क्या लिखेंगे हम वाटर के केस में, चलो मैं नीचे लिखता हूँ टेबल में जो फिलिंग होगा कैसे होगा, ओके यहाँ बीच में कर देते हैं 32 क्वेश्चन। H2O में क्या फिलिंग होगी, नंबर ऑफ 2 मोल्स है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 2 into NA, मीन्स 2 into 6.022 into 10 to the power 23, ये हो गया 12.044 into 10 to the power 23। अब CO2 में क्या आपको दो चीज फिल करनी है, नंबर ऑफ मोल्स भी बताने हैं और मास भी बताना है, जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं 3.01, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दिस इज 3.011, सो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, तो ये कट गया, दिस विल बी 2
दिस इज 1/2 मीन 0.5. सो आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 और नंबर ऑफ पार्टिकल और मास कितना हो गया, CO2 है तो हाफ मोल है, 0.5 है तो मास कितना होगा, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, 0.5 इंटू सी का कितना होता है कार्बन 12 प्लस 2 × 16, तो ये हो गया 0.5 × 44 आई थिंक. हाँ तो ये हो गया डिवाइडेड, ये हो गया 22 grams. सो आपका CO2 में दो एंट्री हो गई, हाफ मोल एंड 22 grams. सो सिमिलरली सोडियम एंड MgCl2, सोडियम और MgCl2 यू ट्राई, इफ देयर विल बी एनी क्वेरी लेट मी नो. ओके यस सर. तो 32 तक अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, और दो क्वेश्चन और ये टेबल के दो कॉलम कंप्लीट इट, वी विल डिस्कस देन इन नेक्स्ट क्लास. ओके बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. बाय सर.